जाके कि तुम मेरे नहीं हो, तुम दोगला हो, तुम्हारा जान दोगला का है, तुम्हारा असली जात नहीं है, तुम जान दोगला का हो। मैं प्यार करती थी, बोले थे सारा खर्च भी उठाऊंगी, सब कुछ करूंगी, बोले खड़ा क्यों नहीं शादी की है, मेरा इज्जत प्रतिष्ठा नमाज सम्मान मुझे ना खेल से भी बदल जिंदगी कर दी। मेरे नहीं हो सकते कभी, जब मैं हारी नहीं थी तुम किसी के लायक नहीं छोड़ूंगी मैं, जब तुम मेरे नहीं हो सकते तो मैं किसी के लायक नहीं छोड़ूंगी मैं, किसी के लायक नहीं छोड़ूंगी। छपरा में एक प्रेमिका ने अपने प्रेमी का प्राइवेट पार्ट काट दिया, इसके बाद कटी हुए प्राइवेट पार्ट को वॉशरूम में बहा दिया। शादी से इनकार करने पर प्रेमिका ने इस घटना को अंजाम दिया है। बता दें कि दोनों के बीच पिछले 2 सालों से प्रेम प्रसंग चल रहा था। इस खबर को आपको हम विस्तार से बताएंगे, लेकिन उससे पहले आप सभी से मेरा रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल न्यूज टीवी सिवान को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी हमारे यूट्यूब चैनल न्यूज टीवी सिवान को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन घंटी को जरूर दबाइएगा ताकि जब भी कोई ताजा खबर की अपडेट आए तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो आइए इस खबर को आपको हम विस्तार से बताते हैं। आपको बता दें कि बिहार के छपरा जिले से सनसनीखेज मामला सामने आया है। यहाँ एक प्रेमिका ने अपने प्रेमी का प्राइवेट पार्ट काट दिया। बताया जा रहा कि दोनों के बीच लंबे समय से प्रेम संबंध चल रही थी। वहीं प्रेमी शादी का वादा कर बार बार उससे संबंध बनाता रहा और बाद में विवाह करने से इनकार कर दिया, जिसके कारण प्रेमिका नाराज हो गई। बताया जा रहा कि लेडी डॉक्टर यानी उसकी प्रेमिका पहले उसे फोन कर घर बुलाई और फिर प्रेमी पार्षद को बेडरूम में ले गई और वहाँ घटना को आसानी से अंजाम दे दिया। मिली जानकारी के अनुसार पीड़ित व्यक्ति का नाम वेद प्रकाश है, वह मड़ौरा वार्ड 12 का वार्ड पार्षद है। बताया जा रहा कि वह मड़ौरा में एक निजी अस्पताल की लेडी डॉक्टर अभिलाषा कुमारी से प्यार करता था और युवती भी उससे प्यार करती थी। दोनों 2 साल से एक दूसरे से प्यार करते थे, दोनों शारीरिक संबंध भी बनाते थे। बताया जा रहा कि दोनों शादी भी करने वाले थे, यहाँ तक कि शादी के लिए तारीख और समय भी तय कर ली थी। लड़की दुल्हन बनने के लिए तैयार बैठी थी, वह अपने दोनों हाथों में दूल्हे राजा के नाम की मेहंदी भी रचा ली थी। अब बस इंतजार था दूल्हे राजा के आने की। लेडी डॉक्टर यानी प्रेमिका ने जब अपने प्रेमी को बुलाने के लिए उसे कॉल लगाई तो प्रेमी वहां नहीं आया। आने का वादा करके भी जब प्रेमी वहां नहीं पहुंचा तो प्रेमी के धोखे से लेडी डॉक्टर यानी उसकी प्रेमिका नाराज हो गई। वहीं अगले दिन यानी सोमवार को प्रेमिका ने फिर अपने प्रेमी को फोन किया और फोन करके अपने प्रेमी को घर बुलाई। प्रेमी जैसे ही अपनी प्रेमिका के घर पहुंचा कि तभी प्रेमिका ने पहले उसे बेहोश का इंजेक्शन लगा दिया और उसे बेडरूम में लेकर चली गई। वहां जाने के बाद उसने अपने प्रेमी वार्ड पार्षद का गुप्तांग काट दिया। प्रेमिका का कहना है कि पार्षद ने शादी करने का वादा किया था लेकिन धोखा देकर उसने उसका दिल तोड़ दिया। इतना ही नहीं, घटना के बाद प्रेमिका ने ही पुलिस को बताया कि वह वेद प्रकाश का प्राइवेट पार्ट काट दिया है। वहीं सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने प्रेमी को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया और युवती को अपने हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। आपको बता दें कि जिस प्रेमिका ने इस घटना को अंजाम दिया है वह छपरा जिले के मड़ौरा में एक निजी अस्पताल की कथित डॉक्टर है, जिसका नाम अभिलाषा कुमारी है। उसने बताया कि दोनों के बीच लंबे समय से प्रेम प्रसंग चल रहा था। लेडी डॉक्टर का आरोप है कि वेद प्रकाश ने शादी का वादा किया था लेकिन बाद में वह मुकर गया। इतना ही नहीं, शादी करने का वादा कर वह उससे शारीरिक संबंध बनाता रहा। वह 2 सालों तक उसके साथ शारीरिक संबंध बनाता रहा, वहीं अब शादी करने से इनकार कर दिया। लेडी डॉक्टर ने अपना जुर्म कबूल करते हुए कहा कि उसने ऐसा कदम इसलिए उठाया ताकि वेद प्रकाश किसी और लड़की के साथ इस तरह की घटना को अंजाम ना दे सके। वहीं पुलिस का कहना है कि लेडी डॉक्टर को हिरासत में ले लिया गया है, फिलहाल मामले की जाँच की जा रही है। वहीं इस मामले की जानकारी मिलने के बाद मड़ौरा थाने की पुलिस ने घायल प्रेमी वार्ड पार्षद वेद प्रकाश को रेफरल अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उनकी हालत काफी गंभीर देखते हुए प्राथमिक उपचार करने के बाद बेहतर इलाज के लिए छपरा सदर अस्पताल रेफर कर दिया। वहीं छपरा सदर अस्पताल के डॉक्टरों ने उनकी हालत काफी गंभीर देखते हुए पटना PMCH रेफर कर दिया, जहाँ अभी उनका इलाज चल रहा है। मैं भी की हूँ, मैं प्यार करती थी, बोली थी मैं सारा खर्च भी उठाऊंगी, सब कुछ करूंगी, बोले खड़ा क्यों नहीं शादी की है, मेरा इज्जत प्रतिष्ठा नमान सम्मान मुझे ना खेल से भी बदल जिंदगी कर दी।
लाइफ को भी लोग मेंटेनेंस लेते हैं, सब कुछ देता है, मेरा सब कुछ बर्बाद कर दिया, मेरा पैसा, मेरा बिजनेस, मेरे माँ बाप भाई सबसे रिश्ता तोड़ दिए, सबसे रिश्ता तोड़, इनको हॉस्पिटल लेके जाइए ना, इनको हॉस्पिटल लेके जाइए ना प्लीज। हाँ मैं पुरा लिए जाके, क्योंकि मेरे नहीं हो, तुम दोगला हो, तुम्हारा जान दोगला का है, तुम्हारा असली जात नहीं है, तुम जान दोगला का हो, तुम मेरे नहीं हो सकते कभी, जब मैं हारी नहीं थी तुम किसी के लायक नहीं छोड़ूंगी मैं, जब तुम मेरे नहीं हो सकते तुम्हें किसी के लायक नहीं छोड़ूंगी मैं, किसी के लायक नहीं छोड़ूंगी, बोली थी ना कि नहीं छोड़ूंगी मैं, बोली थी ना शादी कर लो, मैं भगवान से ज्यादा भगवान से ज्यादा प्यार करूंगी मैं, क्योंकि मैं प्यार करती थी तुमसे, बेर क्या हुआ था बताओ, कौन काटा है? कपड़ा नीचे चलिए, उधर से धरेंगे, हाय हाय हटाओ हाय हटाओ। मेहंदी लगा हुआ है शादी के लिए, आज क्या बात हुआ था? 3 महीना से शादी का डेट पड़ रहा है, शादी का डेट चेंज कर रहा है, डेट चेंज कर रहा है, उस डेट पर भाग भाग जा रहा है, आज का भी डेट था, आज देखिए मेहंदी लगा हुआ है, शादी करना था, रजिस्ट्रार सबको फोन कर चला गया था, सारा गवाह तैयार था, अचानक कह रहे हैं शादी नहीं करेंगे लेकिन सब दिन रखेंगे, तो वैसे ही किस तरह से रख रहा है, कल को भी मेंटेनेंस देता है तो घर देता है, खर्चा देता है, मेरे खर्चा मेरे से आखिर भी उसके यहाँ 4500 रुपया, हर तरह से वो मुझे हर तरह से हो रहा है, हर तरह से कर दिया। आज क्या घटना हुआ? आज आया शादी नहीं किया तुम किसी के लाइक नहीं, क्या कर दी तो पेनिस काट दी है, वो जिसमें अमर था, जिसमें होता था कि रंटी पालना मर्द का शान होता था, शान दिखाया जिसको दिखाना है, क्योंकि महिला को इतना कमजोर समझा, 5 महीने से रुलाया दिन रात, अब वो रोएगा जिसके 17 महीने रहे, अब आजाद कर दी आज के बाद। क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम अभिलाषा कुमारी है। और उसका नाम लड़का था? वेद प्रकाश, यहाँ वार्ड पार्षद है ना? 12 नंबर का वार्ड पार्षद है, मेरा यहाँ हॉस्पिटल चलता है।